नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। अब आतंकवादी हमला हुआ तो पाकिस्तान पर हो सकता है आक्रमण। भारत पर हुए अगले आतंकवादी हमले के पीछे अगर पाकिस्तान का हाथ हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैन्य विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका के एक पूर्व राजनयिक ने चेतावनी देते हुए उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान यह समझेगा कि उसके पिछले रवैये को अब आगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत रॉबर्ट ब्लैकविल ने कहा कि 15 वर्ष पहले दिल्ली में संसद पर हुए हमले के बाद से जब भी इस तरह की घटनाएं हुई, प्रत्येक भारतीय प्रधानमंत्री ने सैन्य जवाब के बारे में सोचा, फिर ऐसा न करने का फैसला लिया। मुझे लगता है कि भारत के भीतर भावनाओं में भारी बदलाव आया है और मेरे ख्याल से वर्तमान प्रधानमंत्री के ऐसे फैसले से पीछे हटने की संभावना कम है। गिरफ्तार हो सकते हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नरेश बालियान। दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नरेश बालियान को गिरफ्तार कर सकती है। बालियान उत्तम नगर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी के मुताबिक शराब के मामले में बालियान की गिरफ्तारी हो सकती है। बालियान के ऑफिस के सामने से शराब मिली थी। दूसरी ओर केजरीवाल ने कहा है कि भाजपा कितना भी जोर लगा ले वह जीत नहीं पाएगी। उन्होंने कहा कि उनके सारे उम्मीदवारों को गिरफ्तार कर लो। उधर विकासपुरी में एक गाड़ी में साड़ी और कालकाजी में गाड़ी में शराब मिली है। इन गाड़ियों पर आम आदमी पार्टी का फोटो लगा था। अन्ना हजारे ने मोदी सरकार को बताया किसान विरोधी। समाज सेवी अन्ना हजारे ने मोदी सरकार को किसान विरोधी बताया है। दिल्ली चुनाव के समय जब उनके शिष्य केजरीवाल और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर चल रही है, उनका यह लेख बहुत अहम माना जा रहा है। हाल ही में अन्ना हजारे ने अपने फेसबुक पेज पर हिंदी और मराठी में यह लेख जारी किया है। इस लेख में मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों को किसानों के खिलाफ बताते हुए मोदी सरकार को किसान विरोधी करार दिया है। अन्ना ने आगे लिखा है कि इस कानून का मकसद कृषि योग्य भूमि को उद्योगपतियों के हवाले करना है। जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार में शह और मात का खेल। बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बीच चल रहे शह और मात के खेल के बीच मांझी ने 20 फरवरी को पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई है। मांझी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव द्वारा 7 फरवरी को विधानमंडल दल की बुलाई गई बैठक को अवैध बताते हुए 20 फरवरी को अपने सरकारी आवास एक अणे मार्ग पर बैठक बुलाई है। मांझी ने कहा है कि वह विधानमंडल दल के नेता हैं और उन्हें ही बैठक बुलाने का अधिकार है। उधर जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने चेतावनी दी है कि 7 फरवरी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव ने विधायक दल की बैठक बुलाई है और उस बैठक की वैधानिकता पर सवाल खड़ा करना अनुशासनहीनता है। चुनावी जुमलाती 15 लाख रुपए जमा करवाने की बात भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा। विदेशी बैंकों में जमा काला धन वापस लाने और हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए जमा करने का वादा मोदी सरकार को भारी पड़ता दिख रहा है। अन्ना समेत कई अन्य लोगों ने मोदी से 15 लाख रुपए मांगना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर एक न्यूज चैनल से बात करते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि ये चुनावी भाषण में वजन डालने के लिए बोली गई बात है, क्योंकि किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए कभी नहीं जाते। ये बात जनता को भी मालूम है। विपक्ष ने भी इसको लेकर सत्तासीन सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। दिल्ली में चुनाव की तैयारियां पूरी, मतदान कल। दिल्ली में कल शनिवार को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चुनाव में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर है। दिल्ली विधानसभा की कुल 70 सीटों पर होने जा रहे चुनाव में 1.33 करोड़ से अधिक मतदाता कुल 673 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। मतदान 12,177 मतदान केंद्रों पर होगा। इनमें से 714 मतदान केंद्रों की पहचान संवेदनशील के रूप में की गई है। इनमें 191 अति संवेदनशील है। मतगणना 10 फरवरी को होगी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।